उसको को चांस है और कांग्रेस को लोग दोबारा से पसंद करने लगेंगे गलती हो गई है और हम उसको सुधारना चाहते हैं तेरह जीरो होगा लेकिन उनकी जीरो इंडिया लाइंस की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है जो ये फेजेज हुए हैं चुनाव के इससे बीजेपी हिल गई है पंजाब में भी कांग्रेस बहुत आगे चल रही है और बाकी सब पिछड़ गए पंजाब में इलेक्शन का माहौल सरगर्म है और पंजाब कांग्रेस ने इस बार बिग गन्स को उतारा है और हमारे साथ कांग्रेस की बिग गन है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी चन्नी जी, जी पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जलंधर आए हैं इलेक्शन लड़ने कोई स्ट्रेटजी है कि लगता है कि चैलेंज करना है सरकार को या बीजेपी सरकार को या आपकी गवर्नमेंट को नहीं नहीं ना तो इसमें कोई स्ट्रेटजी है ना हम चैलेंज कर रहे हैं हम अपने तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्टी ने मुझे समझाया कि मैं जलंधर से लड़ू तो मैं जलंधर आ गया सर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी बानवे सीट आई तो आपको लगता है ये लोकसभा इलेक्शन जो है कांग्रेस के लिए चांस है रिवाइवल के लिए पंजाब ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक जुमला जैसे बनकर आ गए और एक हवा चल गई थी कि बदलाव चाहिए और उस हवा में बह गए सब लोग और ये सरकार बन गई लेकिन ये किसी तरह भी बाद में परफॉर्म नहीं कर पाए और टोटल बिग फेलियर हो गया तो उस फेलियर की वजह से अब कांग्रेस को चांस है और कांग्रेस को लोग दोबारा से पसंद करने लगे कि गलती हो गई है और हम उसको सुधारना चाहते हैं जनी साहब लेकिन जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान वो तो कह रहे हैं कि तेरह जीरो से हम लोग जीतेंगे तो आप कह रहे हैं कि गलती हो गई लोगों से नहीं तेरह जीरो होगा लेकिन उनकी जीरो होगी और कांग्रेस की तेरह होगी

जो चालीस पैंतालीस हजार बो रहे हैं ये तो सब हर रोज बढ़ा देते हैं वो थोड़ी सी नौकरियां जो पुरानी थी वो ही दी है नया विज्ञापन नहीं कोई आया नहीं कोई नौकरी नहीं निकली और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली नहीं सर आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं राहुल गांधी के भी नजदीक है इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी कह रहे हैं चार पार हो जाएगा लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप किस तरह सोचते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है जो ये फेजेस हुए हैं चुनाव के इससे बीजेपी हिल गई है और ये बहुत पीछे जा रही है इनको 200 पार करना मुश्किल हो गया 400 पार करना तो दूर की बात है और आने वाले में दिनों में देखोगे आगे आगे जैसे क्योंकि जो सबसे अच्छे इस क्षेत्र से इन्होंने पहले इलेक्शन कराए वो कैसे मैनेज किया वो ये ही जानते हैं लेकिन अब आगे, आगे आगे एक तो जो फेज आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया अलायंस के लिए जो इनका अच्छे एरिया था वो निकल गए वहां से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली वो बहुत डाउन जा रहे हैं वहां तो आने वाले समय में ये बहुत आगे पीछे रह जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लोग हैं जो वो अटैक करते हैं मैनिफेस्टो के ऊपर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की संपत्ति जो है लोगों की अगर कांग्रेस सरकार आ गई या इंडिया अलायंस आ गया तो एक समुदाय को दे दी जाएगी ऐसा नहीं है सबका विकास हो और सबको जितना उसका हक हाँ बनता है उसका मिले यही कांग्रेस का नारा है जितना जितनी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी इतना ही कह रही है कांग्रेस अब एक ही बंदा सारा कुछ ले जाएगा यह भी तो ठीक नहीं सबको बांट कर खाना है तो सबको बांट कर देने वाली है कांग्रेस तो आप जलंधर में आए हैं क्या एजेंडा है आपका जलंधर में आने का क्या आपका एजेंडा रहेगा डेवलपमेंट का किस चीज को लेकर आए हैं आप मैंने पहले खरड में म्यूसपुर प्रेजिडेंट रहा हूँ वहाँ विकास कराया है डेवलपमेंट कराई है फिर चमकौर साहब में डेवलपमेंट कराई वहां मैं एक यूनिवर्सिटी शुरू की दो कॉलेज शुरू किए और सॉरी उसके बाद वहाँ गलियारा बना वहाँ थीम कार्प बना जिसके में सिख हिस्ट्री को फिल्माया जाता है तो वही डेवलपमेंट का जो मेरा मॉडल है उसको मैं लेकर यहाँ आया हूँ और यहाँ के लोगों को भी वही डेवलपमेंट दिखाऊंगा जो मैंने चमकौर साहब में लोगों के लिए की है अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी सेंटर्स अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ तो जलंधर में कोई अच्छा गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल ही नहीं है तो ये सारी सुविधाएं देनी है लोगों को और आटा दाल से गरीबी नहीं हटेगी इसके लिए एजुकेशन और नौकरियां और कारोबार चाहिए वो व्यवस्था मैं करूंगा साहब बड़े सीजन क्वाड्रेंगुलर फाइट है चार कोनों में फाइट होगी इस बार डिफरेंट है थोड़ी सी नहीं नहीं डिफरेंट फाइट नहीं है चार कोनों में चार पांच आदमी खड़े हैं तो फाइट तो हमारे यहाँ जलंधर में तो कोई फाइट ही नहीं है और पंजाब में भी कांग्रेस बहुत आगे चल रही है और बाकी सब पिछड़ गए हैं कांग्रेस का पंजाब में भी कई जगह पे प्रॉब्लम भी है और रहेगा भी कोई दिक्कत नहीं थैंक यू So ये है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और चलंदर के कैंडिडेट चरणजीत चन्नी जो बोला कि पंजाब का जो कांग्रेस में यूनाइटेड फेस है और मोदी की बात की है कि बीजेपी 200 सौ बार नहीं करेगी इस बार जलंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी आज तक